हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको हिंदी का क्लास 8 का जो मिड टर्म का एग्ज़ाम हुआ था उसके सॉल्यूशन बता रहा हूँ। आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं और देख सकते हैं आपके कितने सही निकले हैं। ठीक है, पहले का आपका ये घ, ठीक है, जो दूसरा है इसका आपका ख, ठीक है, और फिर दूसरा क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें आपका है ख, ठीक है, फिर दूसरे में आपका ग, और फिर तीसरे क्वेश्चन पर आ जाइए। तीसरे में पहले का है ख, ठीक है, आपको संज्ञा पहचाननी थी ना, फिर सर्वनाम में आपका इसमें घ, और तीसरे में आपका विशेषण, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। हिंदी में जो वचन है वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। फिर चौथे पर आ जाइए, और इसमें बस की रफ्तार यहाँ पे गाय बहुत आसान था, अगर आपने ध्यान से पैसे पढ़ी तो आपका आंसर गलत नहीं हो सकता। इसका ख, तीसरे का है ख, चौथे का है घ, पाँचवें पर आ जाइए, और पाँचवें में यहाँ पर आपका है पहले का घ, दूसरे का है क, तीसरे का है ख, चौथे का है घ, और अगर हम क्वेश्चन आंसर की बात करें जो आपके तो बस की यात्रा जो पाठ है ना उसके लेखक का नाम था हरिशंकर परसाई, ठीक है, क, और बदु लेखक को क्या बनाकर देता था, लाख की गोलियां, ठीक है, और रामधन सिंह दिनकर द्वारा रचित कौन सी कविता है, भगवान के डाकिए, ठीक है, और किसके डूबने का वक्त हो गया था, सूरज का, ठीक है, और उसके बाद अपकार मतलब किसी का बुरा करना, उपकार भलाई करना, लेखक का स्त्रीलिंग लेखिका, सेना का सेनाएं, या और व्यक्तिवाचक में आप किसी का भी नाम ले सकते, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, राम मोहन, श्याम, सीताराम, कुछ भी लिख सकते थे। फिर प्रश्न उत्तर तो आपको अपनी मर्जी से अपने आप लिखने थे, तो उसके आंसर तो मैं यहाँ नहीं बता रहा, ठीक है। तो होप आपके जितने भी एमसीक्यू होंगे सब बढ़िया होंगे। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना पूरा पूरा ध्यान रखिए, और बाकी जो भी वीडियोस बनाऊंगा आपके लिए आप जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स।